नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों जीप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेड कैरेक्टर में लिखा हुआ है अकाउंट टेम्पोरली डीएक्टिवेटेड, क्लियर ड्यूज एंड अपग्रेड जीप फॉर सर्विस कंटिन्यूएशन, यानी कि टेम्पोरली ब्लॉक कर दिया गया है जीप अकाउंट। तो इसे अनब्लॉक करने के लिए, इसे यूज में लाने के लिए, इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? तो जो भी ड्यूज है, पहले का जो भी ड्यूज है, वो आपको क्लियर करना होगा। देख लीजिए, यहाँ पर बिल हालांकि अभी जेनरेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहले ही जीप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने दो बार अभी फिलहाल जीप बैलेंस को यूज किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका हिस्ट्री। देख सकते हैं, बैक आते हैं गाइस। बैक आने के बाद यहाँ हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री पे जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि देखिए, यहाँ पर ये 149 का रिचार्ज में जीप बैलेंस यूज किए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने में देख सकते हैं जीप बैलेंस का यूज किए हैं। दो बार इस महीने में यूज किए हैं, और मेरा जो अकाउंट है, जीप अकाउंट है, वो ब्लॉक कर दिया गया है, टेम्पोरली डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जीप बैलेंस पे आ जाना है। आने के बाद मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक कीजिए। मैनेज पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद गाइस, जो भी अमाउंट ड्यूज है वो यहाँ पर दिखाई देगा। 372 रुपया ड्यूज है। नीचे में पे इन एडवांस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे में पे 372, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए, कोई कूपन है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो पे पर क्लिक करेंगे नीचे। उसके बाद आपका जो, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट पेज आएगा। जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यूपीआई पिन फिल करके और पेमेंट कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग में है। 372 रुपया पेमेंट करने के बाद गाइस बैंक आते हैं। बैंक आने के बाद देखिए, अब बैलेंस है वो एक्टिवेट कर दिया गया होगा। देख सकते हैं गाइस, अभी भी एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो हो सकता है 24 घंटा के अंदर में अपडेट हो जाए और जीप अकाउंट जो है वो अनब्लॉक कर दिया जाए। पेमेंट करने के बाद 24 घंटा तक वेट कर लेना है गाइस। वेट करने के बाद आपका जो जीप बैलेंस है, जीप अकाउंट है, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर दिया जाएगा गाइस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह का नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।